क्राफ्टी लीना ब्लॉग, मैं हूँ क्राफ्टी लीना और होम डेकोर पार्ट टू लाने वाली थी, लेकिन सबसे पहले मैं ना बालकनी टूर करवाऊंगी। छोटे से बालकनी में मैंने रियूज चीजों से किस तरह से छोटे छोटे क्यूट सा मैंने प्लांटर बनाया है, और अभी विंटर का सीजन है, बहुत सुंदर सुंदर जो है ना मैंने प्लांट्स भी लगाए हैं, फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बालकनी टूर करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं किचन टूर करवाऊंगी, फिर जो पूरे घर का जो मैंने किस तरह से अरेंजमेंट किया उसको भी दिखाऊंगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों से मैं घर को मैंने डेकोरेट नहीं किया है। जो रियूज चीज़ें होते हैं बस उसी में मैं मतलब लगी हुई हूँ, इसीलिए ब्लॉग आने में लेट हो रहा था। बहुत सारे कमेंट्स आए कि अभी तक आपका जो है ना घर किस तरह से अरेंज किए हैं तो आप दिखाएं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है ना घर को अरेंज करने में टाइम लग रहा था। सबसे पहले मैं ना बालकनी डेकोरेट करने में लग गई थी, और चलिए मैं सीधे लेके चलती हूँ बालकनी में। उसके पहले देखिए मेरे हाथों में एक टॉर्टाइज है, और ये जो ना इस तरह से मैं ड्राइंग रूम में रखती थी, लेकिन अभी इसमें क्या है ना मैंने देखिए इस तरह से मनी प्लांट लगाया है, इसके जो है ना पत्ते भी बढ़ गए हैं। रियूज जो कप होता है ना तो उसमें भी बहुत सारे जो है ना प्लांटर मैंने लगाया है, किचन प्लांट भी लगाया है, जो मैं किचन टूर करवाऊंगी तो वहां मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अरेंज किया है। बालकनी में जो होते हैं ना जो रियूज चीजें होते हैं, जो चीनी मिट्टी के जो छोटे छोटे जो मटकी होते हैं ना, तो उससे मैंने बहुत सुंदर प्लांटर बनाया है, जो उसका फुल ट्यूटोरियल जो है ना मेरे सेकंड चैनल लीनाज लाइफ स्टाइल पे है, तो उस पर आप विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और बालकनी टूर मैं पूरा करवाऊंगी, अभी चलिए मेरे साथ छोटे से बालकनी में लेकर के चलती हूँ। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो मेरे डॉल के झूले हैं ना, तो इसका भी अगर ये झूले का आपको अगर मतलब चाहिए क्राफ्ट, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, ऐसे में ले करके आऊँगी क्राफ्टी लीना में। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट में जो है ना क्राफ्ट से रिलेटेड सारे वहाँ पे आपको जो है ना ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो ये झूला भी मैं अभी दोबारा से बना रही हूँ, बहुत सारी इसके भी मतलब रिक्वेस्ट आए हैं, तो इसकी भी जो है ना क्राफ्टी लीना ब्लॉग में मेरे बहुत जल्दी ब्लॉग आ जाएंगे। तो चलिए सीधे लेके चलती हूँ बालकनी में, और सबसे पहले मैं प्लांटर दिखा देती हूँ। ये मैंने रियूज पॉट से बहुत ही खूबसूरत सा मैं प्लांटर में बनाई हूँ, क्योंकि मेरा बालकनी बहुत छोटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब एक ही जो है ना छोटे से जगह में बहुत सारे जो है ना, मुझे शुरू से प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले के भी ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ, रियूज बोतल क्राफ्ट में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अपराजिता के पौधे उसमें मैंने बहुत सुंदर लगाया था, पूरे वॉल में मैंने जो है ना रियूज बोतल का भी क्राफ्ट दिखलाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और यहाँ पर मेरे पास मटकी भी थी, तो इसको भी मैंने प्लांटर बनाया है। इसकी फुल ट्यूटोरियल जो मेरे सेकंड चैनल लीनाज लाइफ स्टाइल में भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देखना। बहुत ज़्यादा देखने के लिए मेरे प्ले लिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्राफ्ट हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत क्यूट सा छोटा छोटा सा मैंने यहाँ पे प्लांटर लिया है, हेल्दी मदर प्लांट से काटी हुई कलम से मैं बहुत सारे जो है ना कैक्टस मैंने लगाया है, और ये क्यूट सा जो देखिए यहाँ पे भी मैंने प्लांटर लगाया है। और चलिए अब मैं सीधे आ गई हूँ बालकनी में, तो बालकनी में देखिए ये जो है ना स्वीट के डिब्बे थे मेरे पास, तो इसको भी मैंने प्लांटर बनाया है, छोटे छोटे से मैंने स्माइली बनाया है इसमें। और ये सारे जो है ना अभी विंटर के भी प्लांट्स हैं, कुछ सो प्लांट है, पाम ट्री है, देखिए क्योंकि स्पेस कम है तो इस तरह से कॉर्नर में रखा। और ये भी मेरे पास प्लांटर है, इसमें भी मैं दिखाऊंगी मैं क्या लगाने वाली हूँ, अपराजिता के पेड़ हैं, और देखिए क्यूट सा इसमें मैंने रियूज डब्बे थे। और बहुत सारे क्राफ्ट हैं, मैंने बोतल की बहुत सारे क्राफ्ट भी मैंने बनाया है, मेरे सारे जो है ना वीडियो अपलोडेड है। और यहाँ पर देखिए ये सब जो है ना फ्लावर भी आ गए हैं, तो बहुत मतलब मन को सुकून देता है ना जब अगर आपके पास जगह कम हो, लेकिन हर शौक को आप पूरा कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आपके पास आइडियाज़ होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना गुलदाउदी के मैंने 5 से 6 कलर के गुलदाउदी लिए हैं, और छोटे छोटे से जो है ना मैंने इस तरह से प्लांटर बना करके और सब में मैं अभी मैं लगा रही हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना प्लांटर, तो इसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत वेजिटेबल लगाऊंगी, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, और अगर सक्सेस हुई तो आपके पास ब्लॉग ज़रूर आ जाएगा इसका। और ये मटकी जो है ना, ये बहुत पुरानी मटकी, एक बार मेरी मम्मी ने इसमें दही ला करके दी थी मुझे, हम लोगों का जो एक फेस्टिवल जो होता है जनवरी में दही चूड़ा वाला, तो वो मैं अभी तक मैं संभाल के रखी हुई हूँ। इस पर मैंने मतलब आज से बहुत साल पहले से ये मनी प्लांट इसमें लगे हुए हैं,
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पर देखिए ये गुलदाउदी है और येलो वाली गुलदाउदी में फूल आ गए हैं, रेड है, बहुत सारे कलरफुल गुलदाउदी भी मेरे पास है। और मैं आपको अभी ले करके टेरेस पे भी चलूँगी क्योंकि बहुत सारे मेरे पास अभी प्लांट्स है, बड़े जो है ना प्लांट भी हैं, तो उसको भी मैं दिखाऊँगी कि और क्या क्या है मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का समय है, यहाँ पर मैंने मिर्च का जो मैं खाना बनाती हूँ मिर्च बच जाते हैं, तो उसके बीज से देखिए बहुत तरह की इसमें मिर्च आए हैं और जो है ना बहुत क्वालिटी भी सबकी अलग है, शिमला मिर्च भी है। और यहाँ पर देखिए जो है ना तुलसी जी के पेड़ हैं, यहाँ पे मैंने केला के भी पेड़ लगाए हैं और बहुत सारे, अभी तो विंटर का समय है तो गुलदाउदी के जो है ना पेड़ मैंने ज़्यादा लगाया है। अब सीधे मैं लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर देखिए मनी प्लांट को मैंने इस तरह से हैंग किया है और छोटे से बालकनी में, और इधर दोनों कॉर्नर में देख रहे हैं ना, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर रीयूज मेरे पास से ये पड़े हुए थे तो उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो थोड़े से मतलब स्पेस बन गया जिसमें मैं प्लांट्स रख सकती हूँ। अब सीधे मैं लेके चलती हूँ टेरेस पे क्योंकि थोड़े से, और यहाँ पर देखिए मेरे जो है ना ड्राॅइंग रूम में ए सी की जगह बचे हुए थे, तो वहाँ पर मैंने तुलसी जी के पेड़ और दो मेरे पास जो है ना बड़े बड़े प्लांटर हैं, प्लांट्स हैं, तो उसको मैंने इस तरह से रखा है। और यहाँ पर मैं सीधे टेरेस पे आ गई हूँ और ये देखिए मैंने पहली बार देखा मेरे पास देखिए इतने सारे जो है ना पेड़ हैं, तो इसमें जो है ना फ्लावर आ गए क्योंकि पूरा से जो है ना सनलाइट मिल रहा, हवा मिल रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक प्याज रख दिया था तो प्याज के पत्ते भी हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए मिर्च भी, बस एक ही जो है ना गमले में मिर्च भी है और प्याज भी हो गए हैं, अमरूद भी हो गए हैं। और देखिए ये जो है ना मेरा मिट्टू को मैं जो जो खाना देती थी ना, तो रेंटेड हाउस में बहुत कम जगह में ये सब जो उसके बीज गिरते रहते थे, तो ये पपीता भी मेरा मिट्टू शौक से खाता है, तो पपीता का भी देखिए इसमें भी छोटे छोटे से फल आए हैं। और पूजा करने के बाद जो फूल बच जाते थे गेंदे के, तो वो भी मैंने डाल दिया। तो इसमें मैंने कोई चीज़ ग्रो नहीं किया है, बस ये जो प्लांटर है ना, तो प्लांट्स है तो अपने से उग गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो है मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल लगाया है, तो उसमें भी पत्ते आ गए हैं। और यहाँ पर जो है ना उड़हल की पेड़ मैंने लगाए थे, तो यहाँ पर जो है ना चार पांच तरह के उड़हल के पेड़ हैं, और जिसमें येलो कलर की है, रेड कलर की है। और यहाँ पर भी देखिए अमरूद है, सब मेरे मिट्टू के खाए हुए बीज से बहुत बड़े देखिए अमरूद के पेड़ हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने टेरेस पे रखा है। देखिए फल आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और पपीते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फल फूल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पेड़ भी मैंने नहीं लगाया है, बस मैंने गेंदे के बीज से बस इस तरह से मतलब बीज उग गए, बीज से सारे पेड़ उग गए हैं। तो देखिए अभी मैं इसमें मतलब जो है ना टेरेस पे रख दिए हैं जिसमें पूरी से सनलाइट मिले। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा बालकनी, और तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और देखते रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी किचन टूर भी दिखवाऊंगी और पार्ट सेकेंड जो है ना मैंने किस तरह से घर को अरेंज किया है, तो वो वीडियो जल्द लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।